कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला, जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुँह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है, इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है, और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो? प्लीज प्लीज। क्या बकवास कर रही हो, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यार, यह क्या है हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह, यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं यह याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। पूरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखें कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, यह स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था? तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है। और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकूं और इसे अपने मुंह में पकड़ लूं? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखें कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है, मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी, मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा,
धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन ये कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में ये गलती है। फ्रेंच फ्राइज में पहिया रुक गया है। ठीक है, कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे मेब को मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह, इतनी सारी वैरायटी, तो मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे ये केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो, देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा, मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो। धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसने मुझे चोट पहुँचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है। सभी को हेलो, आखिरकार हम चुनौती शुरू कर रहे हैं, और मैं अभी बदकिस्मत निकला, मुझे गम का सिर्फ एक पैकेट मिला है, और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मेरे पास तो इसका पूरा गुच्छा है। एलेक्स तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम पहले अपना गम खा सकते हो। ठीक है, कम से कम कुछ अच्छा। मुझे हबा बबा बहुत पसंद है, खासकर बबल गम के स्वाद वाला। ये तुम क्या कर रहे हो? च्युइंग गम तुम्हारा है और मुझे कचरा उठाना है, अब तुम देखो। ओ, चलो गुस्सा मत करो, बेहतर होगा कि तुम देखो कि मैं कैसा बबल बना रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम बबल से खेल सकते हो? लेकिन इसके लिए तुम्हें इसमें मास्टर होना होगा। वाह सच में बहुत बढ़िया, एलेक्स तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब गम चमाने की मेरी बारी है, सबसे पहले मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। मैं एक टेक्निक भी जानती हूँ जो मुझे बहुत मदद करेगी। वाह बहुत बढ़िया, और अब उन्हें खाने का समय आ गया है। लिप वैक्यूम क्लीनर एक्टिवेटेड। अरे वाह, और अब देखो कि वास्तव में एक बड़ा बबल क्या होता है। ना ऐसा कोई बबल नहीं रहने दूंगा जो मेरे से बड़ा हो। यह क्या किया भयानक, तुमने न केवल मेरा बबल फोड़ दिया बल्कि अब मेरी भौहें भी निकल आईं। अब मैं कैसे रहूंगी? उन्हें वापस चिपका दो। ठीक है, मैं थोड़ा घबरा गई। अब ठीक है मिला, अब गम चबाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार
रैपर से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक विशेष मशीन तैयार की है। वाह, बहुत ही प्रभावी तरीका। और अब इन्हें एक एक करके खा सकते हैं। क्या तुम वास्तव में शानदार बबल देखने के लिए तैयार हो? तो चलो चलते हैं। मेला, बस करो। oh, no. ये बहुत बड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? Bingo. मेरे पास एक आइडिया है। हमें बबल को गुलेल से फोड़ने की जरूरत है। एलेक्स, शूट करो। मैं ही क्यों? Okay. क्योंकि नहीं तो मिला अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। बेटा, तुमने अच्छा किया, पर अब हम मुसीबत में हैं। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे चिड़ियों से दोस्ती करनी होगी। तुम लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। ओह, मेरे पास केवल एक अनार है और मेरे पास पूरे पूरे 10 है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, जरा मेरे ढेर को देखो। लेकिन मेरा अधिक स्वादिष्ट है। मिला, तुम पहले खाओ। हुरे, मुझे अनार बहुत पसंद है। जरा देखो कि इसके अंदर के बीज कितने स्वादिष्ट लगते हैं। हालांकि वे खाने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे ट्रीट्स के लिए मेरे पास हमेशा ट्वीजर होते हैं। ये स्वादिष्ट और सुविधाजनक है और अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं बीज को एक प्लेट में रख दूं और फिर सब कुछ एक ही बार में खा लूं। हाँ, इस तरह से ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ठीक 120, ये बहुत अच्छा है। तो यह मेरे लिए पहले की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हालांकि मेरे पास केवल एक अनार था, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। okay. सबसे पहले अनार को खोलना होगा। यह आसान होना चाहिए। इसे तोड़ता हूँ। कितना भयानक। एलेक्स, अब तुम कितने खूंखार दिख रहे हो। खूंखार दिखना अच्छा नहीं है, लेकिन अब यह अनार तो बस कमाल का है। बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स पागल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट अनार खा रहा हूँ बस। बेटा, अब तुम समय बर्बाद मत करो और अपना अनार खाओ। बिल्कुल, अब ये मेरे ढेर सारे अनार खाने का समय आ गया है। मिला, मुझे चाकू चाहिए। हाँ, ये लो। सिर्फ अनार खाना बोरिंग है, लेकिन उनमें से स्वादिष्ट जूस बनाना मजेदार से भी ज्यादा है। देखो मेरे पास कैसा जूसर है। वाह, इतनी बड़ी मशीन। एक बड़ा जूसर और ढेर सारे अनार से हम बहुत सारा जूस बना सकते हैं। बस उसे देखो, वह मुझे इसे जल्द से जल्द पीने के लिए कह रहा है। क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत। अब तुम्हारे चेहरे पर भी पूरा जूस लग गया है बेटा। यह कोई समस्या नहीं है, हम इसे आसानी से और आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अफसोस, मेरे पास कोला का केवल एक ही कैन है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। देखो मिला को कितने सारे मिले हैं। हाँ देखो, मेरे पास कोला के कैन का एक पूरा टावर है। लेकिन okay. फिर भी मैं पहले पीऊंगी। कम से कम मैं किसी चीज में तो भाग्यशाली हूँ। कोला हमेशा स्वादिष्ट होता है। और इसके बाद पेट हमेशा बातें करता है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है कि कोला के अपने सभी डब्बे एक बार में कैसे पिया जाए। इसे खोलने की जरूरत है और उसके बाद मुझे एक विशेष स्ट्रॉ की आवश्यकता होगी, जिसे मैंने हाल ही में बनाया है। वाह, यह अच्छा आइडिया है। आखिरकार कोला बहुत स्वादिष्ट होता है। ओ, लगता है कुछ बाहर आना चाह रहा है। यह डकार बहुत पावरफुल थी। तुम्हें क्या लगा मैं भी कोई हस्ती रखता हूँ?
और मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है और मुझे एक जार मिला भी है। कितना अच्छा। क्यों, अब सब कुछ गिर जाएगा। तो क्या, इसे गिरने दो। कम से कम अब मुझे ऊपर के लाइन तक नहीं जाना होगा। शर्त लगा लो कि मैं कोक के सारे डब्बे एक ही बार में पी जाऊंगी। हम तुम पर विश्वास करते हैं। बस हम पर कचरा मत फेंको। बिल्कुल, ये कैंस है और ये चेहरे पर पड़ने पर दर्द होता है। मुझे माफ करो, मैं बस रुक नहीं सकती। मेला, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने अपना पेट देखा है? हाँ, ये सब गैस है। अपने आप को बचाओ, अगर बचा सकते हो तो। ये एक इमरजेंसी है। मिला ने डकार मारी। ओ मिला, कोई और कोक नहीं। मुझे और नहीं चाहिए, यह मुझ में फिट नहीं होगा। वाह, यह अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है। यह चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो अब समय है शुरू करने का। पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी। यह एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा, ये तुम कह रही हो। कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या? नहीं, वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। मैंने अब तक जो बनाया है, शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितने सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग। अब फिर हंस कर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अपनी तस्वीर दिखाओ। उफ, मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मेरी, यह क्या है? वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है। तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे, सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे, चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा, प्यारा कुत्ता। ओ, कितना प्यारा है, और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप। जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या, क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था।
लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे। और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ, इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे मेरा भूरा मार्कर गिर गया, मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है, मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया, ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो, बहुत अच्छी ड्राइंग है। मैरी तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह यह तो सच में वही है, तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैरी को बधाई देते हैं। पोप छी, नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा। क्या काश मैं किस्मत वाली हूँ और यह बस चॉकलेट निकले। वो पूप खा रही है सच में। अरे तुम खुद ही पूप होगी, ये तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दोस्तों क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयॉन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ मैं कागज पर क्यों बनाऊँ अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। बहुत बढ़िया, जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। yes! जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो क्या कर रही है? हाँ यह सही नहीं है, हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल बिल्ली, अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं, मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है, कहाँ बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है, धन्यवाद यार। चलो दोस्तों अब अपने चेहरे दिखाओ, देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी तुमने फिर कोशिश भी नहीं की, ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता क्या तुमने देखा भी है कि एक बिल्ली कैसे देखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ फिर से चेल्सी ही जीतती है, क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छा कोई बात नहीं, अब यह बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना, क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे, और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। ये मुश्किल होगा पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो ये बहुत बढ़िया होगा, सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी गलती से हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो केचप कोई बुरा पेंट नहीं है।
तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है, मुझे भी कुछ करना होगा, मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है, मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। ओह, मैंने तो सारे सॉस खा लिए, अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं सामंता से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ, और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है, ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा। सैमंथा, तुम क्या कर रही थी, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें यह मछली मिलेगी। बधाई हो सामंता, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी, सब चेल्सी की वजह से हुआ है, मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी सॉरी, लगता है आज तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, आप 24 घंटे एक ही रंग का खाना खाएंगे, चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें कैंडी मिली है जो तुम्हारे रंग को सूट करती है। वाओ, यह विशाल स्नीकर्स अभी मेरे मुंह में आने वाला है। रुको, यह बहुत बड़ा है, शायद इसे यहाँ से काटा जाना चाहिए। अब मैं इसे टेप से मापता हूँ। यह बहुत बड़ा है, क्या मेरे मुंह का साइज कैसा रहेगा, नहीं यह फिट नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, मैं एक सामुराई में बदल सकता हूँ, मेरे पास केवल एक ही टास्क है, स्नीकर्स को काटना, और मैं यहाँ करूँगा। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा था, और अब मैं आसानी से सभी स्नीकर्स खा सकता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है, और यह वाला, और यह, और यह भी। चलो मेरा हो गया, नैन्सी तुम खाना शुरू करो। हाँ यह आसान है, मेरे पास ताकिस ब्लू चिप्स है, मैं स्वादिष्ट खाना खाने जा रही हूँ। ओह यह तो बहुत तीखे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। ओह ये तीखे हैं, लेकिन मैं उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती, इसका स्वाद अद्भुत है। ओह तीखा, तो बहुत ही तीखा। दोस्तों मुझे माफ करना, लेकिन मैं आग को नहीं रोक सकती। ओह नहीं नैन्सी, इसे रोको। ओह ये जले हुए बालों की तरह महक क्यों आ रही है, ओह नहीं मैं जल रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगी, एक मिनट रुको। ओह मैंने इसे बुझा दिया। ओह नहीं नैन्सी अभी भी जल रही है। मुझे पता है क्या करना है, मेरी कुर्सी के नीचे एक बाल्टी पानी है, यहाँ बहुत पानी है, इससे मदद मिलनी चाहिए। नैन्सी मैं तुम्हें बचा लूंगा। आखिरकार
अब अच्छा है, वो भयानक था। अब मैं समझ गई कि ताकिस बहुत तीखा होता है, लेकिन अब मैं पूरी भींग गई हूँ। हमें इसे छुटकारा पानी चाहिए था। बस हो गया, मैं सूख गई। जिल, तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरा गुलाबी गम बचा है। अरे वाह, कितना बड़ा हबा बबा है। पहली बार मैंने इतना बड़ा देखा है। मुझे जल्दी सब खाना है। ओह, वो बहुत दूर चला गया। खैर कोई बात नहीं, हमें इसे जल्दी खाना चाहिए। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है, मैं सब खाऊंगी। वाह जिल, तुमने उतना कैसे खाया? मुझे गम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका पहाड़ भी खा सकती हूँ। क्या तुम लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा बबल देखने के लिए तैयार हो? अब मैं इसे फुलाऊंगी। ओ नहीं जिल, रुको, ये बहुत ज्यादा है। ओ ओ नहीं, ओ दोस्तों मुझे माफ करना, हमें ये साफ करना होगा। अरे मेरी नाक को क्या हुआ? हाँ? क्या ये गुलाबी हो गया? दोस्तों तुम्हारा नाक भी काला और नीला है, यह एक ही रंग खाने का एक साइड इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप नए ट्रीट के लिए तैयार है? और यहाँ आपके सामने है, मार्टिन को एक काला बर्गर मिला, नैंसी के पास एक विशाल नीली आइसक्रीम है, लेकिन जिल के पास एक बड़ा गुलाबी डोनट है। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है, चलो इसे ट्राई करो। कौन शुरू करेगा? जिल। अब मैं इसे जल्दी से खाऊंगी। पहले मैं इसे टुकड़ों में काट देती हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगी। एक टुकड़ा काटा। दोस्तों मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि ये सब अकेले मेरे लिए है। वाह, खैर मेरा हो गया। दोस्तों मैंने अपना डोनट समाप्त कर लिया है, तुम अपना खाना शुरू कर सकते हो। नैंसी, क्या मैं? धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं विशाल काय को खाऊंगा, मैं कुछ ही समय में उसे निपट लूंगा। लेकिन इससे पहले मैं दस्ताने पहनूंगा, मैं गंदा होना नहीं चाहता, पर यह काम नहीं कर रहा है। दस्ताने खराब है या कुछ और? चलो अब मैं इसे पहनता हूँ। मैं इसे कैसे काटूं? शायद या कॉफी कप या मग मुझे इस विशाल बर्गर से छोटा सा टुकड़ा काटने में मदद करेगा। वाह, और मिनी बर्गर तैयार है। चलो अब इसे खाता हूँ। इस तरह से यह खाने के लिए भी अधिक सुविधाजनक है, स्वादिष्ट। मैं खुद के लिए बहुत सारे छोटे बर्गर बनाने जा रहा हूँ। हाँ बहुत स्वादिष्ट, मैं सारे खा जाऊंगा। ओह हो गया। अरे चेहरे पर कुछ छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। स्वादिष्ट, मेरा पेट भर गया है। नैंसी, तुम अपने आइसक्रीम के साथ इस राउंड को खत्म कर सकती हो। शायद सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे चम्मच से खाएं। पर चम्मच इस विशाल आइसक्रीम की तुलना में लिलीपुटियन की तरह है। चलो कुछ और ढूंढते हैं। हाँ ये एकदम सही है। ओ, 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 मेरा सब कुछ नियंत्रण में है। ओ नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ऐसा कैसे, मैंने फर्श पर पूरी आइसक्रीम गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खा सकते हैं। स्वादिष्ट। मार्टिन, तुम्हारे कान काले हैं और तुम्हारा नीला हो गया। जिल, तुम्हारे कान गुलाबी हैं। ओ नहीं,